वही अगली खबर सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र से है, जहां एक युवक की चप्पलों से पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में कुछ लोग युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि आपको आबकारी अमले का सदस्य बता रहे हैं। आपको बता दें कि बुधनी क्षेत्र में आबकारी का ठेका नहीं है, जिस कारण यहां शराब की दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। इसी के चलते आबकारी टीम का हवाला देकर इन लोगों ने क्षेत्र के इस मकान में दबिश दी और एक बैग से शराब की कई बोतलों को जब्त की। वहीं दूसरी ओर पीड़ित युवक स्वयं को निर्दोष बता रहा है और मकान मालिक की शराब होने का कह रहा है। चौदह जून को जो वीडियो वायरल हुआ था, ये क्या मसला था सर और इसमें क्या कार्रवाई हुई? ये जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया है, ये शायद 12 जून का है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी गई थी कि एक कॉलोनी में अवैध शराब बेची जा रही है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। मोहम्मद इशाक नाम का व्यक्ति है उसके। और कल दिनांक को जब ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम संज्ञान में आया, वीडियो में जो जो भी लोग दिख रहे हैं उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कर ली गई है और उनके अगेंस्ट प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उन्हें जेल भी भेज रहा है। कितने लोग सर FIR में? 5 लोग आइडेंटिफाई हो पाए और उन लोगों के माध्यम से उनके स्टेटमेंट लेके और भी जो लोग यदि उसमें चिन्हित होते हैं तो उनके नाम को भी नाम जोड़ा जाएगा, उनको भी जेल भेज रहा। ये किसके लोग हैं सर? ये कुछ जानकारी ऐसी समझ में नहीं आ पाई कि किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, बट आपसे रंजिश ऐसे समझ में आता है कि आपसे रंजिश के तहत लोगों ने मार दिया।